नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई और भतीजे को अहम जिम्मेदारी दी है। अपने भाई आनंद कुमार को उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तो वहीं भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया है। देश के सभी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को ये अहम जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि बसपा कैडर में कोऑर्डिनेटर का पद सबसे अहम माना जाता है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। चुनाव के बाद नए सिरे से रणनीति बनाने और बसपा में बड़े बदलाव के लिए आज पार्टी की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के पदाधिकारी लखनऊ स्थित मायावती के आवास पर पहुंचे। इस बैठक में मायावती ने आने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की, आगे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और प्रदेश में 12 सीटों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी अपने पदाधिकारियों को मायावती ने दिशा निर्देश दिए। मायावती ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को और मजबूत करने के लिए अपने भाई और भतीजे को अहम जिम्मेदारी दी है। अपने भाई आनंद कुमार को उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तो वहीं अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। बसपा उपचुनाव के सहारे 2022 के विधानसभा चुनाव का रास्ता तैयार करने की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद से यूपी में नंबर दो की हैसियत मिलने से मायावती को लगने लगा है कि पार्टी उपचुनाव में भी बहुत ज़्यादा सीटों पर सफलता हासिल करेगी और अगले विधानसभा चुनाव में भी बाजी मार सकती है। पार्टी में परिवारवाद का विरोध करने वाली बसपा सुप्रीमो ने फिलहाल अपनी पार्टी में अपने ही भाई और भतीजे को अहम पद की जिम्मेदारी दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में मायावती का ये दांव कितना कारगर साबित होता है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।